हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईएमटी यूट्यूब क्लासेस। एमबीए फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें हम अपना यूनिट टू का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। के प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं हम एक बार पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल। जो प्रोडक्ट्स होते हैं टेंजिबल होते हैं, फिजिकल इन नेचर होते हैं, उन्हें हम टच कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इसे, एक बार आप पढ़ लेंगे तो इन्हें फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड इज नीड वर्सेज रिलेशनशिप। नीड वर्सेज रिलेशनशिप में क्या है, अ प्रोडक्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड कैन बी कैरिड अवे। हाउएवर विद द सर्विस सेटिस्फेक्शन इज ऑब्टेन्ड बट नथिंग इज कैरिड अवे। सेटिस्फेक्शन तो हमें मिल सकती है सर्विस से, लेकिन हम उसके साथ कुछ और नहीं लेके जा सकते। लेकिन प्रोडक्ट को हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, और उससे एक कस्टमर उसे अपने साथ भी रख सकता है किसी भी प्रोडक्ट। इसेंशियली मार्केटिंग और सर्विसेज प्राइमरी कंसर्न इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। कि यहाँ पे सर्विसेज में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसमें नीड को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कस्टमर की आखिर में नीड क्या है, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मीन सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज बट प्रोडक्ट कैन। कि प्रोडक्ट को तो हम काफी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जिन्हें हम रख सकते हैं, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑन द अदर हैंड इट कैन बी सीन दैट प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल। फॉर एग्जांपल फ्रेश फॉर्म एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल एंड दीज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज और सेल। मतलब जो हमारा पर्टिकुलर टाइम के लिए सर्विस यूज होती है वो हमारे पेरिशेबल नेचर की होती है, कि एक बार बस यूज कर लिया उसके बाद उसे आप यूज नहीं कर सकते हो जब आप यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी। प्रोडक्ट्स कैन बी न्यूमेरिकली क्वांटिफाइड एंड दे कैन नॉट दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स शेप्स एंड साइजेस। हाउएवर सर्विसेज कैन नॉट बी न्यूमेरिकली क्वांटिफाइड व्हाइलस्ट यू कैन चूज डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर द कंसेप्ट मेन्स द सेम। कि सर्विसेज को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स को आप इजिली क्वांटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेपरेबिलिटी। इसमें क्या है, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर्स सिंस दे कैन बी कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम दे आर ऑफर्ड। ऑन द अदर हैंड अ प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर वंस द परचेज हैज बीन कंप्लीटेड। प्रोडक्ट को आप उसके जो ओनर है, जो आप मैन्युफैक्चरर है, उससे अलग लेके जाकर यूज कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आपको उसी से ही सर्विस प्रोवाइडर से ही लेना पड़ता है, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कम्पेयर सिंस दीज आर फिजिकल फीचर्स दैट कैन बी हेल्ड। हाउएवर इट मे बी डिफिकल्ट टू कम्पेयर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या आप सर्विस को क्वालिटी उसकी नहीं जज कर सकते हो हर बार, लेकिन आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्नेबिलिटी। रिटर्नेबिलिटी में क्या होगा, इट इज इजी टू रिटर्न ए प्रोडक्ट टू द सेलर इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट इट। लेकिन सर्विसेज को आप रिटर्न बैक नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट को कर सकते हो, लेकिन कि अगर आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगा प्रोडक्ट, आपके यूज के लिए नहीं होगा, तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो, लेकिन सर्विस को आप रिटर्न नहीं कर सकते हो सर्विस प्रोवाइडर को। नेक्स्ट इज वैल्यू परस्पेक्टिव। इसमें क्या, द वैल्यू ऑफ द सर्विस इज ऑफर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज डिराइव फ्रॉम यूजिंग इट बाय द कस्टमर। की वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है प्रोडक्ट की, जब कस्टमर उसे यूज करता है, उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है तब पता चलता है। लेकिन सर्विसेज की क्या है, सर्विस प्रोवाइडर की उसकी वैल्यू बताता है कि उसकी क्या वैल्यू है। वैल्यू ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी टेकन और क्रिएटेड बाय द फाइनल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड ऑन द मार्केट। की मार्केट में जब आप यूज ऑफर करते हो प्रोडक्ट को, तो उसका एंड कस्टमर होता है, एंड यूजर होता है, उसके वैल्यू को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ही सिर्फ वही आपकी सर्विस को कर सकता है, उसकी वैल्यू निकाल सकता है। नेक्स्ट इज शेल्फ लाइन। अ सर्विस हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइन कंपेयर टू अ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट अ लेटर डेट इफ इट फेल्स टू सेल ऑन अ गिवन पीरियड। दिस इज डिफरेंट विद रिगार्ड टू सर्विस दैट हैज अ शॉर्ट शेल्फ लाइन एंड शुड बी सोल्ड अर्लियर। सर्विस को आपको जब आपने उसे किया है, तो आपको उस एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही उस सर्विस को प्रोवाइड करना होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना होता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट को आप फ्यूचर डेट के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद ये इनके डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, जो हमने पहले हमने पैराग्राफ में पढ़े, इसे हमने
टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेम पॉइंट्स ही है, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेवन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के मेन फीचर्स क्या है, जो हमने पहले पॉइंट्स में पढ़े हैं वही है। पैशनेबिलिटी होती है कि ये जल्दी, मतलब जब आपने किया इट हैज ग्रेट सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, कि आप पैरिशेबल नेचर की होगी, अगर आप उसे जल्दी यूज नहीं करेंगे देन इट इज ऑफ नो यूज एनीमोर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी सर्विस की। तो या आपको जब आपने सर्विस को प्रोवाइड किया है उस टाइम पे आप उसे वो लेनी भी पड़ेगी सर्विस। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग डिमांड, सर्विसेज डिमांड हैज हाई डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन, द चेंजेस इन डिमांड कैन बी सीजनल और बाय वीक्स डेज और इवन आवर्स, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज हैव पीक डिमांड टू पीक आवर्स, नॉर्मल डिमांड एंड लो डिमांड ऑफ ऑन ऑफ पीरियड टाइम, कि सर्विसेज का जो है डिमांड जो टाइम है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, कभी तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि सर्विस की, कभी कम भी होती है। नेक्स्ट इज इंटेजिबिलिटी, अनलाइक प्रोडक्ट सर्विस कैन नॉट बी टच्ड और सेंस्ड, टेस्टेड और फेल्ट बिफोर दे आर अवेल, अ सर्विस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, कि आप इसे टच नहीं कर सकते, ओनली कैन फील इट, और फील भी कब कर सकते हो, जब आप उसे यूज करते हो, सर्विसेज को आप लेते हो। देन इज इनसेपरेबिलिटी, इसमें क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडेड है उसे आप सर्विस से अलग नहीं कर सकते, दे आर इनसेपरेबल, तो आप उन्हें इकट्ठे ही लेकर चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर कट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ डॉक्टर कैन ओनली ट्रीट व्हेन हिज पेशेंट इज प्रेजेंट फिजिकली, फिजिकली नहीं, चाहे आप आजकल वर्चुअल भी हो रहे हैं लेकिन प्रेजेंस होनी जरूरी है, तभी वो एक डॉक्टर किसी दूसरे पर्सन को एग्जामिन कर सकता है। लेकिन अगर आपको हेयर कट करवाना है तो आपको सैलून जाना ही पड़ेगा, आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां पर होगी, तभी आप हेयर कट सर्विस अपनी मतलब प्रोवाइडर से सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज the feature of service by the provider cannot be uniform or standardized. A doctor can charge much higher fee to a rich client and take much low from a poor patient. की जो मतलब heterogeneous नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। Next is pricing of services. Pricing decision about services is influenced by perishability, fluctuation, demand and inseparability. Quality of service cannot be carefully standardized. Pricing of service is dependent on demand and competition where variable pricing may be used. Pricing अलग अलग होगी on the basis of their perishability, inseparability and fluctuation in demand. इन सब basis पे हम जो उसका price service का decide कर सकते हैं। Next is service quality is not statistically measurable. कि आप सर्विस की क्वालिटी को स्टेटिस्टिकली मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे आप प्रोडक्ट को तो क्वांटिफाई कर सकते हो लेकिन इसे आप मेजर नहीं कर सकते हो। फॉर एम्प्लॉयज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स आर टू बी वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट, पीपल इंक्लूड इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, क्या सर्विस को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। सर्विसेज यूजली रेफर टू processes and not physical products. Some services may include people whereas other services may include objects which are managed by people. कुछ में सिर्फ लोग इन्वॉल्व होते हैं और कुछ में कुछ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो लोग मैनेज होते हैं। Examples of services which include people can be hair salon, education, theater, restaurants and public transportation, जहां पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। On the other hand, services that include objects include repairs and maintenance, dry cleaning, banking, legal services, insurance, etc. जहां पर आप लोगों की हेल्प से वो सर्विस लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपॉइंट किए हुए हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन टेंजिबल एक्शन, ठीक है। टेंजिबल एक्शन के बेसिस पर सर्विसेज की क्लासिफाई टू पार्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट इज सर्विसेज ऑफ पीपल एंड सेकेंड इज सर्विसेज ऑफ गुड्स, लाइक हेल्थ केयर, रेस्टोरेंट एंड सैलून, जो सर्विसेज डिलीवर्ड बाय पीपल टू पीपल, लोग ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये है सर्विसेज फॉर पीपल। एंड सर्विस फॉर गुड्स में क्या है, जब गुड्स को या ट्रांसपोर्टेशन को रिपेयर, जब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विस लेते हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो किसी जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए, कोई चीज खराब हो रही है तो आप किसी मैकेनिक को बुलाते हो, तो यानी वो एक सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन एक ऑब्जेक्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टली ह्यूमन बींग को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये है सर्विसेज फॉर गुड्स। दो तरीके की क्लासिफिकेशन होगी टेंजिबल एक्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी में यानी तो आप उसे उस टाइम पर ना लोगों से आप डायरेक्टली आप उसे यूज कर रहे हो ना ही गुड्स के साथ,
there are depth in this world which cannot be tangibly quantified. For example, the number of algorithms it takes to execute your banking order correctly, or the value of your life which is forecasted by insurance agents. इस तरीके की सर्विसेज है इनटेंजिबल नेचर की होती है, जहां पर आप इजीली उन्हें क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो कि इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस प्रोवाइडर होता है वो तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन आपकी लाइफ के लिए कर रहा है, आपकी लाइफ को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने साल आपने जीना है, आप मतलब डायरेक्ट आप फिगर से क्वांटिफाई करके नहीं बता सकते कि मैंने इतने साल ही जीना, तुम इतने सालों की इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे इनटेंजिबल नेचर की होती है सर्विसेज। सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड, यहाँ पे इस कैटेगरी में कौन सी है सर्विसेज। सर्विसेज सोल्ड थ्रू इन्फ्लुएंसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी। जब जो सर्विसेज है क्रिएटिविटी ऑफ माइंड के थ्रू लोगों को इंटेंजिबिलिटी बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है उसमें बोलते हैं सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स माइंड। एंड सर्विसेज डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स में कौन सी आएंगे, हमारी बैंकिंग, लीगल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। ये हमारी जो हम इंटेंजिबल एसेट्स में करते हैं या फिर माइंड में करते हैं, ये इंटेंजिबल की दो कैटेगरीज हैं। टेंजिबल में सर्विसेज फॉर पीपल, सर्विसेज फॉर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स का पॉइंट था। इसके इंटेंजिबिलिटी में सर्विसेज ऑन पीपल माइंड एंड सर्विसेज डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स, यानी गुड्स पे और पीपल पे ही है लेकिन इंटेंजिबिलिटी इसका बेसिस है। द मोस्ट इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन दिस टाइप ऑफ सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। कंसल्टेंसी सर्विसेज कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, वेयर द रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड और सस्टेन्ड ऑन ट्रस्ट और टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट। कि वहां पर कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे होते हैं, वहां पर सिर्फ आपको फिजिकली प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं होती, आप टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और ट्रस्ट बेसिस पे भी आप कर सकते हो कि हाँ उसने मुझे ये बताया तो ये सही बताया होगा। मोर जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू देम कैन बी एज फॉलोज। फंक्शन के बेसिस पे हम सर्विस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड, मतलब ये बहुत सारी इस तरीके की सर्विस है। जब हम फंक्शन के बेसिस पे, पर्टिकुलर फंक्शन के बेस पे, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है तो यानी बैंक से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है हम उन्हें फंक्शन के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, इजी से टॉपिक है। प्रोडक्ट और सर्विस पर डिफरेंस किया है हमने और सर्विस की क्लासिफिकेशन की कि किस किस तरीके की सर्विस होती है। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आए आपके सामने तो आपसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।